आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का कुछ इस तरह का व्यू है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, मौसम बहुत अच्छा किए हुए है। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी उठे हैं और अभी बज चुके हैं 5:30। तो आज मैं सुबह सुबह ही उठिया और जिगी को टाला कर लेकर आया हूँ और अभी मैं चाय पी रहा हूँ, तो चाय पीकर चलता हूँ, जल्दी सब फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। मैं मस्त हाथों पर रेडी हो चुका हूँ और अभी हमारा नाश्ता आ चुका है, तो फिलहाल मैं नाश्ता कर रहा हूँ और अभी मैं निकल रहा हूँ मार्केट। अभी मैं आया हुआ था फूल पे घड़ी की दुकान पे, हमारा घड़ी था जो बंद हो गया और मैं अभी घड़ी का बैटरी चेंज करवाने के लिए आया हुआ, तो देखता हूँ कितने देर में बनाते हैं। कल 2 मिनट का काम है, हो गया क्या? तो हमारा हो गया घड़ी का बैटरी चेंज, मैं सीधा निकलता हूँ घर और तो कुछ काम नहीं है मार्केट का। तो जस्ट मैं आया हूँ मार्केट से वॉच बनवा के और अभी मम्मी कुछ खाने के लिए दिए, तो अभी मैं खा रहा हूँ नमकीन है, तो फिलहाल मैं इसे खाता हूँ गाइस। और गाइस आज का प्लान है, मैं निकल रहा हूँ आज मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन के लिए। तो फिलहाल अभी मैं रेस्ट कर लेता हूँ गाइस, शाम में हमारा ट्रेन है रात को 12 बजे, तो फिलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सीधा आपसे मिलता हूँ शाम में। रेडी हो गया हूँ और अभी मैं निकल रहा हूँ, पिताजी कह रहे थे बस से चलने के लिए लेकिन मैं कहा कि स्टेशन चलना है, ट्रेन से ही चलना है। तो यहाँ से पटना जंक्शन जाना गाइस और रात को 12:55 में ट्रेन है, तो फिलहाल मैं घर से निकल रहा हूँ गाइस। और गाइस जिग्गी मुझे बहुत ही मिस करेगा, जिग्गी यहाँ पे सोया हुआ है। बाय जिग्गी, बाय, चलता हूँ, जिग्गी को बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगा, बाय, टेक केयर। अभी मैं बिहार जंक्शन पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन और ट्रेन आने का वेट कर रहा हूँ, ट्रेन आएगी उसके बाद चलूँगा पटना जंक्शन, पटना जंक्शन से सीधा ट्रेन में घर आऊँगी। तो अभी फिलहाल वेट कर रहा हूँ स्टेशन पर, 10 से 15 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। तो हम और पापा निकल चुके हैं घर से और पापा यहीं पर बैठे हुए हैं, फिलहाल ट्रेन का वेट कर रहा हूँ गाइस। गाइस हमारा ट्रेन आ चुका है पटना के लिए, चलता हूँ, जल्दी जल्दी चढ़ता हूँ। गाइस ट्रेन आ चुका है और मैं आ गया हूँ ट्रेन पे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रहा है, इस वजह से मुझे खड़ी खड़ी ही जाने पड़ेगी पटना। देखता हूँ कब तक पहुँचता हूँ, 1 से 1.5 घंटा के अंदर मैं जाऊँगा शायद, चल रहा हूँ, निकल रहा हूँ, उसी देर में खुलने वाली है। गाइस अभी मैं बख्तियारपुर पहुँचा हूँ और बख्तियारपुर में जाकर मुझे सीट मिला है, तो यहाँ से करीबन पटना जंक्शन आधा घंटा है, आधा घंटे के अंदर मैं पटना जंक्शन पहुँच जाऊँगा। गाइस तो अभी मैं पटना जंक्शन पहुंच गया हूं और अभी बज रहे हैं 8:30, तो हमारी ट्रेन रात के 12:55 में है, अहमदाबाद वीकली एक्सप्रेस, तो लगभग 1 बजे तक ट्रेन आ जाएगी स्टेशन पे, तो मुझे वेट करना होगा 3 से 4 घंटा, तो चलता हूं कहीं बैठता हूं। और गाइस आप देख सकते हैं पटना जंक्शन का कुछ इस तरह का व्यू है, रात का दृश्य तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बगल में ही है हनुमान टेम्पल। गाइस तो ये हमारे देख सकते हैं पीछे बैक साइड में प्रतीक्षालय है, पैसेंजर होल्डिंग एरिया, तो यहाँ पे ऊपर में है और यहाँ पे प्रतीक्षालय जो है नीचे में है। मैं चलता हूँ, प्रतीक्षा करता हूँ, कितने देर वेट करना होगा, और पिताजी अंदर ही बैठे हुए हैं, चलता हूँ चाय पीता हूँ हल्का फुल्का और नाश्ता भी कर लेता हूँ खाना, तो अभी फ़िलहाल वेट करना होगा 2 से 3 घंटा, अंदर चलता हूँ आपको लेकर। तो प्रतीक्षालय बगल में ही है, अब मैं प्रतीक्षालय पहुँच चुका हूँ और चलता हूँ प्रतीक्षालय के अंदर। और गाइस आप देख सकते हैं प्रतीक्षालय के गेट के बाहर ही कुछ यहाँ नाश्ता एवं खाना का तो व्यवस्था है, चलता हूँ देखता हूँ क्या क्या व्यवस्था है अंदर। सभी यात्री लोग जो है वेट कर रहे हैं गाइस और हमारे पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं। पापा कुछ खा लिए हैं? अभी कुछ खाए नहीं पापा, यहाँ पे लगेज हमारा रखा हुआ गाइस, तो देखता हूँ कितना देर वेट करना होगा। और देख सकते हैं बहुत सारे यात्री लोग का भीड़ है यहाँ, सभी लोग यहाँ रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे खाने पीने का भी सामान उपलब्ध है, कुछ खा पी सकते हैं। गाइस तो पापा को चाय पीने का मन हो गया था, तो चलता हूँ चाय लेता हूँ, देखो
तो अभी हमने चाय का ऑर्डर दिया है और हमारा दो कप चाय आ रहा है। हमारा चाय आ गया है और मैं पैसा दे दिया भैया को, चलता हूँ पापा के पास चाय लेकर। अभी मैं चाय पी रहा हूँ पूजा जी के साथ में, तो चाय खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद खाना भी खा लेता हूँ क्योंकि अभी बहुत ही वेट करना होगा ट्रेन के लिए। तो फिलहाल चाय खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ प्रतीक्षालय में, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो यहाँ गाइस हर तरह का व्यवस्था है, चार्जिंग का भी पॉइंट है, हर जगह आपके चार्जिंग का पॉइंट है और सभी यात्रीगण जो है बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ और गाइस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वातानुकूलित है, एसी भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है, एक नंबर जगह है पटना जंक्शन में। वहाँ पे बैठ के सभी यात्रीगण इंतजार कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही वेट कर रहा हूँ। गाइस देखता हूँ चार घंटा किसी तरह टाइम पास करना होगा ट्रेन के लिए। फिलहाल यहाँ बैठा हूँ और पापा बाहर गए हुए हैं तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। जोरों से भूख लग चुकी थी तो अभी मैं खा रहा हूँ पापा के साथ में, घर से ही खाना लेकर आया था बना के, तो अभी मैं पापा के साथ में खा रहा हूँ, फिलहाल खा लेता हूँ। हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन, क्योंकि अब ट्रेन जो है आने वाली है अहमदाबाद वीकली एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है। तो मैं चलता हूँ वहाँ, बहुत रेस्ट कर लिया और खाना पीना भी हो गया, अब मैं पापा के साथ जा रहा हूँ स्टेशन। गाइस तो मैं स्टेशन आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और ट्रेन का वेट कर रहा हूँ फिलहाल, तो बस कुछ ही देर में आने ही वाली है ट्रेन। अभी बज चुके हैं 12:10, तो बस 20 मिनट के अंदर ही अंदर आ जाएगी ट्रेन, तो आता हूँ उसके बाद चलता हूँ ट्रेन पे। फाइनली हमारा ट्रेन आ चुका है गाइस, चलता हूँ इस पर बैठता हूँ, सीट देखता हूँ मेरा कहाँ। हमारा ट्रेन आ स्टेशन हमारा है खजुराहो, वेट करता हूँ 20 मिनट के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा खजुराहो, तो अभी देखता हूँ कब तक खुलती है। और गाइस आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का कुछ इस तरह का व्यू है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, मौसम बहुत अच्छा किए हुए है। मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ खजुराहो स्टेशन, अब मैं जा रहा हूँ कहीं होटल लेता हूँ, ठहरता हूँ वहाँ। गाइस तो मैं आ गया हूँ ओमकारा ढाबा, तो मैं यहाँ ही आकर स्टे किया हूँ और अभी मैं फ्रेश हुआ हूँ और आया हूँ नीचे चाय पीने के लिए। नीचे में रेस्टोरेंट और ऊपर होटल है, तो अभी चाय आया है, चाय पीता हूँ फिलहाल। तो अभी जस्ट मैं आया हूँ चाय पीकर नीचे से और यही हमारा छोटा सा कमरा, तो फिलहाल रेस्ट कर रहा हूँ गाइस क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ और होटल आते आते बहुत ज़्यादा भीग गया था क्योंकि यहाँ खूब बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में। तो फिलहाल रेस्ट करता हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, चाय भी पी लिया हूँ, नाश्ता भी हो गया हमारा, तो रेस्ट करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलता हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।